नमस्कार, आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल मैजेस्टिक मानस की तरफ से। और ये दीपावली, ये धनतेरस आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, यही हम चाहते हैं। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं बाजार की ओर रायबरेली की, और दिखाते हैं रायबरेली में धनतेरस का क्या माहौल है। तो चलिए मिलते हैं सीधा बाजार में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी यात्रा करते हैं शुरू और आपको दिखाते हैं कैसे रायबरेली में दिवाली का सामान लगाए। तो भैया, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली चल रही है और हम लोग आ गए हमारे रायबरेली की गणेश लक्ष्मी के स्टॉल पर। तो भैया, आपका नाम बताइए पहले तो। मोहम्मद खुर्शीद। अच्छा, और ये आप कहाँ से स्टॉल लेके आए हैं अपना? ये हरचंद रोड, रबीरगंज बाजार। अच्छा, तो कुछ बताइए लक्ष्मी गणेश का प्राइस वगैरह कैसा है? अरे 50 रुपये से चालू है, 500 तक का है। अच्छा, और लक्ष्मी गणेश के अलावा और भी भगवानों की मूर्ति है? कौन? हाँ, कुबेर भगवान है, सरस्वती है, गंगा जी हैं। अच्छा, और मतलब ये आपका भी कब तक रहेगा? दिवाली तक ही रहेगा कि उसके बाद भी लगाया रहेगा? दिवाली तक। अच्छा, तो इतने बचा है। जरा इधर दिखा दीजिए, गुल्लक उल्लक लगे हैं। तो अभी दोस्तों, हम लोग आपको लेके आ गए यहाँ पर बर्तनों की दुकान में, क्योंकि धनतेरस का मतलब होता है कि बर्तन खरीदना तो ज़रूरी ही है। तो ये देखिए, दुकान में बर्तन वगैरह लगे हुए हैं बहुत अच्छा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली में लइया चूरा वगैरह का तो काम लगता ही है, उसी से तो पूजा होती है। और ये देखिए, सीन में आप लोग देख रहे हैं कैसे माता रानी के चरण पादुका वगैरह के लगाए गए हैं। और दोस्तों, आज तो बाज़ार में बहुत भीड़ है, मतलब एकदम पैर रखने की जगह नहीं। अभी दोपहर है तो थोड़ी भीड़ कम है, और रात होते होते दोस्तों यहाँ पर आप देखिए भीड़ का क्या माहौल होता है, अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप में से काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि दिवाली किस दिन है, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो हमारे सामने है ठाकुर द्वारा मंदिर के मुख्य पुजारी जी, और हम इनसे पूछते हैं कि क्या है मुहूर्त। पंडित जी बताइए, दीपावली का शुभ मुहूर्त? दीपावली शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में मनाई जाएगी। ये व्रत लग्न है, स्थिर लग्न है, बहुत अच्छा रहेगा, सभी घरों में इसी समय मनाना चाहिए। 24 नवंबर सोमवार। और भाई दूज वगैरह का क्या सुन? भाई दूज 25 नवंबर को सूर्य ग्रहण लग जाएगा, दिन में अमावस्या रहेगी, रात में नहीं रहेगी, इसलिए सोमवार को ही हम मनाएंगे। रात में अमावस्या रहेगी सोमवार को, अगले दिन नहीं रहेगी, इसलिए अगले दिन नहीं मनाते हैं। फिर अन्नकूट का पर्व होता है जो 26 को मनाएंगे। 27 तारीख को भैया दूज मनाई जाएगी, इस दिन भैया दूज रहेगा। तो ये मतलब 27 तारीख तक दीपावली का पर्व चलेगा, और शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों पंडित जी ने आपको बता दिया, तो वैसे आप उस हिसाब से दिवाली मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए यहाँ पर, ये देखिए स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर आपको पूजा का पूरा सामान मिल जाएगा, मतलब कपड़े भगवान के लेकर सब कुछ। और ये रंगोली के रंग हमारे सामने लगे हुए हैं, और ये देखिए बड़ा वाला पैकेट है, इसमें 100 रुपये में सारे रंग हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग को बाजार में कुछ खास चीज़ दिख रही है, हमें लगता है ये रंगोली बनाने वाले जो होते हैं सांचे वो हैं, और इनसे आप पेंटिंग भी कर सकते हैं दीवारों पर, इसको दीवार में लगा के पेंट से इस तरह के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। हमें अच्छा लगा, हम तो इसको एक लेंगे। और ये देखिए घंटा घर पर ये सब दुकान सजी हुई है, लक्ष्मी गणेश और बाकी अन्य देवी देवताओं की सभी की मूर्ति यहाँ पर है, और बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। किसी में गणेश जी पगड़ी पहने हुए हैं, किसी में कुछ अलग सा है, और इसी तरह से करते हुए उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके हमें लगता है स्टॉल लगाया है, और नग वग भी लगे हैं मूर्तियों में, और बहुत सुंदर लग रही है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते, आगे का दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, भैया मेन चीज़ आ गई, कमल का फूल जो लक्ष्मी माता को इतना प्रिय होता है, और साथ में फूल तो चढ़ते ही हैं, बिना फूल के कोई पूजा होती नहीं है, लेकिन कमल का फूल इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग पे रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है। तो चलिए हम लोग पूछते हैं जो दुकानदार भैया हैं उनसे कि कमल का क्या हिसाब किताब है, अगर कमल कितने रेट तक पहुँचा आपकी बार बात कराते हैं। भैया आ गए यहाँ पे फूलों की मंडी में, और कमल बहुत ट्रेंडिंग पे, तो भैया बताइए कमल का क्या प्राइस है? 50 रुपये आज की डेट का है, कल और महंगा भी हो सकता है। मिनिमम प्राइस सबसे कम 50 रुपये है? 50 रुपये का है, 20 रुपये का छोटा फूल, 20 रुपये का है। 50 वाला जरा दिखाइए कौन सा है? ये है लगा हुआ है, ये है। तो देखिए दोस्तों, ये है 50 रुपये का कमल जो आप देख रहे हैं कैमरे में, यही है 50 रुपये कमल, और कल जाके और महंगा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए रायबरेली के शहर की जान कहे जाने वाले सुपरमार्केट में, और यहाँ पर एक पार्क है, उसी पार्क में बहुत सारी दुकानों का स्टॉल लगा हुआ है, और सभी मूर्ति की, भगवान के वस्त्र वगैरह की दुकानें हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ पे दिए बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके से बंगाली यहाँ पर पूरा ट्रेडिशन हमें लगता है अपनाया गया, क्योंकि भैया बता भी रहे थे कि कलकत्ता से यहाँ पर मूर्ति आई हुई है दुकानदार भैया। और ये देखिए यहाँ पर ये सजावट का भी सामान बहुत अलग सा यहाँ पर लगा हुआ है,
बाकी यहाँ की मूर्तियाँ सबसे अच्छी लगी हमको। और अगला वाला ब्लॉग जो रहेगा उसमें हम आपको पूरी और वीडियो बताएंगे, क्योंकि धनतेरस की वीडियो इतनी बड़ी बन गई कि हमें उसे दो पार्ट में करना पड़ा। तो आज ये वीडियो है और अगली वीडियो कल आएगी जिसमें आपको हम और दिखाएंगे, उसमें एक मूर्ति है 3500 की, वो भी देखिएगा। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि अगला ब्लॉग कल आएगा।